दिल्ली में इलाज, अस्पताल और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी लगातार जारी है। लोग बेहाल हैं, बदहवास हो रहे हैं, इंतजाम अधूरे साबित हो रहे हैं। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही है और किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। सासरे में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी वेज पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई, फिर या तो फिर हमें मार दे। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिविर तो लिख दे रहे हैं, मगर रेमडेसिविर मिल कहां रही है? नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो तीन दिन से यहां खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा आज आएगा, लेकिन अभी तक तो कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हालात भयानक है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहां पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहां पर लगाया जा रहा है, यहां पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहां पर तैयारियों को भी दिखाते हैं। क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहां नजदीक में ही जो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। ये वो विकट समय है जिससे पार पाने में दिल्ली वालों की जिंदगी दांव पर है। प्रार्थना कीजिए कि ये बुरा समय जल्दी कट जाए। मिलन शर्मा और अनिशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।